जी हो, और उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैंने जो है अभी वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी 4-5 दिन पहले, और ऐसा लगता है कि भगवान इसी दिन का वेट कर रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊँ। और बारिश और अब मौसम तो देख सकते हो कितना ख़तरनाक बना हुआ है, और चारों तरफ पानी पानी है। और जैसे ही मैं जो वीडियो शूट करने के लिए ऊपर छत पर आई थी कल, तो वैसे ही बारिश होने लगी थी। और मैंने कुछ ही टेक्सचर्स जो है अपने निकाले थे, और उसके बाद जो बारिश शुरू हो गई थी। और मेरी मम्मी का बोलना है कि उल्टा दबा रखने से जो है बारिश नहीं होती है, बट बारिश तो तब से लगातार हो रही है तो उसके कुछ फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी मैंने कर लिया था। और मेरे जो कुछ टेक्सचर्स हैं वो नीचे से आई थिंक कितना भी संभाल के रखो, बट जो है अब बारिश के चलते टेक्सचर जो है भीग जाते हैं। हम लोगों की यही प्रॉब्लम होती है सारे स्मॉलेस्ट की, जो मान लो प्योर सीमेंट से रिलेटेड और मतलब टेक्सचर से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं उनकी तो यही प्रॉब्लम है सबकी, कि वीडियोस जो है तभी सूखेंगे, मतलब जो क्रम्बल है वो तभी सूखेंगे जब धूप निकलेगी, न्यू वीडियोस तभी बनेंगे। और मौसम तो बड़ा ही खतरनाक जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा काम जो है वो काफ़ी दिनों के बाद मैंने स्टार्ट किया था, और ऐसे ही इसलिए मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए, शांति के लिए तो झाड़ियों में घर ले लिया, और उसके बाद जो है बारिश हो रही है और मैं अपना काम भी स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। केवल पीस के लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया और वही पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या बोलूँ मैं। और टेक्सचर तो इतने कुछ खास निकाले नहीं थे मैंने, और ये मेरा कुछ सामान रखा है, बाकी का सारा जो है मैंने सामान नीचे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि जेस बने का फ़ायदा था, कुछ फ़ायदा नहीं था इसलिए मैंने नीचे रख दिया। और ये मेरे टेक्सचर्स हैं थोड़े से, मैंने ऊपर नीचे करके इनको रख दिया था ताकि जो है ये, और नेल्स तो मेरे गए, मैंने तो बोला ही था पहले पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरे नेल्स जो है मैं जैसे ही वीडियो शूट करना शुरू करूँगी वैसे ही चले जाएंगे, तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों ने बोला था कि न्यू ब्लॉग जल्दी शेयर करना, इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाई देती हूँ व्यूज़। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि जल्दी कुछ होने वाला है, दूर दूर तक सन्नाटा और बारिश की संभावना, और बादल अभी भी खुला नहीं है, सो तो दिक्कत बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगता है कि इस मंथ तो बारिश रुक रही, क्योंकि एक दिन दो दिन ऐसे ही चलता रहता है, और ऐसे ही बारिश एक दिन दो दिन में तो कोई टेक्सचर पूरी तरह से प्रिपेयर करके रखो, जो मतलब हमारी जो सेप्स होती हैं वो ज़्यादातर बिग्स होती हैं जो लोगों को पसंद आती हैं, तो जब हम जो बिग सेप्स बनाते हैं तो उनको सूखने में 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, और 3 से 4 दिन से पहले 24 घंटे में कहीं बारिश हो जाती है, कहीं 8 घंटे में, मतलब लगातार ऐसे इशू चल रहा है। और भगवान भरोसे चैनल मेरा चल रहा है जैसे तैसे, मैं लगता है पूरी इंडिया में एक पनौती तो मैं जब भी अपना चैनल स्टार्ट करती तो कोई ना कोई चीज़ बीच में जो है हो जाती है ऐसी, जब मेरा चैनल बीच में फिर से मुझे ओल्ड वीडियोस जो एडिट करके डालनी पड़ती है, आप लोगों का जो इंतजार है वो ख़त्म होता है, और मैं फिर से बारिश के चलते या किसी वर्क प्लेस के चलते कुछ ना कुछ दिक्कत में आ जाती है। बट कोई नहीं, एक मंथ दो मंथ की बात और है, फिर तो मौसम चले ही जाना है। बट इस बार जो है साइंटिस्ट ने बोला है कि जो है बारिश जो है वो नवंबर तक आई थिंक होगी या अक्टूबर तक होगी, पूरा कन्फर्म नहीं है मुझे, बट ऐसा बोला गया है कि अक्टूबर तक तो मतलब बोला ही है कि बारिश होगी होगी, बट कोई नहीं, इट्स ओके, ऐसे ही इतने दिन कट गए तो 1-1.5 मंथ की और बात है, वो भी हो ही जाएगा। और उसके बाद जो मेरा सेकंड वर्क प्लेस बन रहा है जहाँ पे मैं पूरा सेटअप करूँगी, तो वो जो है वहाँ पर मैं सिर्फ वर्क प्लेस ही बनवा रही हूँ स्पेशली, जो जहाँ पे मैं अपना सिर्फ काम कर सकूँ, और वो और ज़्यादा आउट एरिया में, ताकि वहाँ पे जो है और ज़्यादा शांति रहे और वीडियोज़ जो है अच्छी बने। तो मेरे घर के आसपास का व्यू जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इधर रिलीफ भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है और शांति भी है, तो मुझे तो ऐसी जगह पसंद है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जगह पर रहने में। तो फैमिली को दिक्कत तो फैमिली नहीं भी रहती है, कभी किसी का मन होता है तो वो चले जाते हैं, और जिसका मन होता है वो चले आते हैं यहाँ पर रहने के लिए मेरे साथ, तो मुझे तो यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना वर्क प्लेस बनाना है, करनी है आप लोगों के लिए, न्यू वीडियोज़ बनानी है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को ब्लॉग बना के आप लोगों को जल्दी जल्दी नोटिफाई करती हूँ, अपनी जो है बातें बता दूँ, जो कहते चल रही है वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। और जैसा कि आप लोग हमेशा से मुझे समझते आ रहे, तो मुझे पता है कि आप इस बार भी समझेंगे, और बाकी मौसम का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और क्रम्बल्स तो तभी ड्राई होंगे जब मौसम खुलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले मैं जो रूम के अंदर वीडियोस बनाती थी, तो रूम के अंदर वीडियोस बनाने उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि टेक्सचर्स जो है उनको तो 1 वीक लग जाता था जो है टेक्सचर्स ड्राई होने में, तो उस समय पे भी काफ़ी दिक्कत होती थी। बट जो मेरा पहले वाला घर था वो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे में था, और हद से ज़्यादा वहाँ पर जो है शोर शराबा होता था, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है
बैकग्राउंड नॉइस की वजह से सब की सब बर्बाद हो जाती थी, और क्या ही बोलूँ। और तो मेरे पास कुछ अब बातें बची नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, मैंने सारी आप लोगों से शेयर कर ली। और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी रिक्वेस्ट हो आप लोग बोला करिए, आगे नहीं तो मैं आगे चल के तो पूरी करूँगी करूँगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि SMR SD प्रेगमेंट हमेशा से आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है पूरी करती आ रही है, और आप लोगों की फेवरेट जो वीडियोज़ है वो बनाती आ रही है, तो आगे भी बनाऊँगी। बट अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ भगवान से कि जितना जल्दी हो सके ये मौसम खुल जाए और उसके बाद मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय सभी को, और चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। और नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी डालूंगी अपने वर्क प्लेस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन हमेशा के लिए सपोर्ट करने के लिए मुझे, और तब तक के लिए बाय बाय। न्यू ब्लॉग में आप लोगों से बात होगी, और फिर से आप लोग जो है कमेंट ब्लॉग देके कमेंट जरूर जरूर करिएगा, आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।